बादशाह हूँ। मुन्ना दुबे जी का जन्मदिन है, मुन्ना दुबे के जन्मदिन पे आज इत्तेफाक है कि मैं बॉम्बे में हूँ। कल बॉम्बे में आया और आज अपनी अपकमिंग फिल्म का लोकेशन देखने गुजरात गया था। गुजरात से बस इनकी मोहब्बत ने खींच लाया है। मैं वही अब आपने पूछ दिया तो मैं बता दिया। नॉर्मली लोग बर्थडे पे कोई फ्लावर लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। मैं मुन्ना दुबे के इस जन्मदिन पे इनको दो फिल्में एज ए म्यूजिक राइटर गिफ्ट करता हूँ। फिल्म का नाम कसम पैदा करने वाली पार्ट 3 और एक और फिल्म है अनाम फिल्म है। जिन दोनों फिल्मों का मुहूर्त मार्च में करूँगा और दोनों फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर मुन्ना जी होंगे और यही इनके लिए इस जन्मदिन। मतलब चॉकलेट से मुन्ना फिसल गए, तो डेली मिलते रहता है इसको। यस कि हर फिल्म में लगभग मुन्ना जी रहते हैं तो ये उसके लिए चॉकलेट हुआ। इसके बड़ा बम क्या होने वाला है? नहीं देखिए, एक म्यूजिक डायरेक्टर के लिए सबसे बड़ा होता है कि फिल्म मिले। नहीं, एक फोर व्हीलर मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी बड़ा बंगला मिल जाए, कोई ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं सबके पास है। लेकिन फिल्म मिलना, काम करना। जिस दिन मुन्ना दुबे ये कह देंगे कि भाई मुझे फ्लैट की ज़रूरत है, फोर व्हीलर की ज़रूरत है, उस दिन मैं वो भी दे दूंगा। बोल दो भैया, मुन्ना जी चांस अच्छा बोल ही डालो आज। मुन्ना जी उन म्यूजिक डायरेक्टरों में से हैं जो खुद अपनी कमाई से इतना गोल्ड अकेले पहने हुए हैं। घर पर इनके खुद ही फॉर्चूनर है, तो इनको किसी के देने का क्या है? जो महादेव भक्त है वो तो देते हैं, लेते कहाँ हैं? सही बात है। और उन्हीं में क्या है, भाई जी का साथ ऐसा ही रहे और हम लोग फिल्में करते हैं, इससे बड़ा तोहफा कुछ नहीं हो सकता। तो आज आपको दो फिल्म हमारी और सुना जी क्या कहेंगे? बहुत बड़ा आपका सरप्राइज है। हम लोग का जो जोड़ी है ना, एक म्यूजिक डायरेक्टर और एक काम करने का, वो कमाल की है और ऐसा ही चलता रहे। महादेव उसको और बुलंदियों तक पहुँचाते रहे। अभी लेटर में कितनी फिल्में कर रहे हैं साथ में? आराम से खुद ही नहीं मालूम कितनी, बहुत सारी फिल्में हैं। मैंने काउंट करना छोड़ दिया है। एक्चुअली मैं काउंट करता हूँ पगला जाता हूँ, मैं कितनी फिल्में कर रहा हूँ। मेंटल प्रेशर आने लगता है कि कितनी फिल्में हैं, क्या है क्या नहीं है। मेरे दादा बताते हैं, जो मेरे मैनेजर हैं वही बताते हैं कि अभी 17 फिल्में साइन करके आपने रखा हुआ है, नवंबर के बाद डेट दीजिएगा किसी को। नवंबर तक अभी आपके पास डेट नहीं है या अगले साल के फरवरी तक डेट लिया, वही बता देते हैं तो मैं सुन लेता। और अभी अगले महीने है इंस्पेक्टर धाकर सिंह लालू जी की लव स्टोरी है। अगले महीने में मेरा जन्मदिन है 12 फरवरी को, और उस दिन मैं शुरू कर रहा हूँ अपने होम प्रोडक्शन से। फिल्म का नाम है जानवर और इंसान, इंस्पेक्टर धाकर सिंह और लालू जी की लव स्टोरी। ये तीनों फिल्में एक साथ फ्लोर पे जा रही हैं, जिनमें दो फिल्मों में मेरे डायरेक्टर वरना जी हैं। उन तीन फिल्मों को कंप्लीट करूंगा और वहीं से मैं दो फिल्मों का अनाउंस करूंगा। एक फिल्म के डायरेक्टर जो है हमारे साथ में ही हैं, आप संजय श्रीवास्तव जी, बड़े भाई हैं मेरे। स्ट्रगल के दौर से हम लोग साथ में रहे हैं। तो कसम पैदा करने वाले, जब एक निर्माता के रूप में मैं पहली फिल्म बना रहा था, मैंने कहा कि मैं लोगों के साथ जाना चाहूँगा जो लोग मेरे साथ 8 के दिनों से जुड़े रहे हैं। तो एक फिल्म मैंने संजय भैया को लेकर के बनाई, कसम पैदा करने वाले की पार्ट 2। और अभी मैं जो इंस्पेक्टर धाकर सिंह बना रहा हूँ, वो इतने बड़े कैनवास की फिल्म है कि साक्षात को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। और मैं बोलता नहीं, मैं करके दिखाता हूँ, मेरा काम ही बोलता है। तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं भोजपुरी में, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी बिगेस्ट फिल्म बन रही है इंस्पेक्टर धाकर सिंह, जिसमें 4-5 हीरोइनें नज़र आने वाली हैं बिग कैनवास के साथ। उसे भी मैंने भैया को ही डायरेक्ट कर लिया है और वो फिल्म कंप्लीट होगी तुरंत। मैं कसम पैदा करने वाले की पार्ट 3 का अनाउंस करूंगा अपना डेट देख करके, वो भी आप संजय श्रीवास्तव जी। संजय जी कई बड़े बड़े बम फोड़ दिए ऐसे आकर के मुन्ना जी के जन्मदिन पे, क्या कैसा लग रहा है? बम तो नहीं है, ये इनका प्यार है हमारे लिए, मुन्ना जी के लिए। और सच में बोलूँ, मैं 3 दिन से शेड्यूल बना रहा हूँ। मेरे हिसाब से करीब 45 मेन आर्टिस्ट हैं, उनके डेट को मैनेज करने में पहली बार मुझे दिक्कत हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कैसे मैं मैनेज करूँ, मेरे लिए भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। कसम उनसे भी ऊपर की फिल्म है इंस्पेक्टर धाकर सिंह, और थैंक्स मेरे भाई, और मुझे बहुत प्यार करते हैं। और एक बात आपके बारे में कहना चाहूँगा, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, अचानक से आप लोग आता कि मैं आज के लिए फिल्म कर रहा हूँ और ये फिल्म आपका एक फिल्म का पोस्टर कर लिया परसों, लॉन्च किया, बहुत चर्चित है जी, उसके बारे में कुछ बताएं, कहाँ से माइंड में आता है? बहुत बनती है
तकरीबन स्टोरी भी वही रहती है, लाइट पकड़ना। बट अर्धनारी एक अलग किस्म की अलग पोस्टर है, नहीं सिर्फ अर्धनारी नहीं, यश कुमार की आने वाली हर फिल्म में है अर्धनारी, थोड़ा और ज्यादा ही अलग है। दंड नायक थे एकदम अलग थी। आपको बता दूं कि बिटिया छठी माई के पार्ट टू टेलीविजन की सबसे बड़ी रेटिंग हासिल की, फिल्मों के लिए टेलीविजन की दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग हासिल की। तो ये कहीं ना कहीं नौजवानों का काम के प्रति दीवानापन है। अच्छी टीम है हमारे पास जिसके साथ हम काम करते हैं। अर्धनारी के बारे में मैं हमेशा अलग करना चाहता हूँ, तो उसमें एक अर्धनारी भी है। अर्धनारी के बाद आप परशुराम फिल्म देखिएगा, परशुराम का भी जो फर्स्ट लुक रिलीज होने वाला है 4-5 दिन 7 दिन में, उसका भी फर्स्ट लुक आ जाएगा। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हर दिन कुछ नया करूँ, हर दिन कुछ नई फिल्में आए मेरी। मैं रूटीन काम नहीं करना चाहता, दिमाग इसी पे चलता रहता है कि कहाँ से अलग कर दिया। आखिरी सवाल, अभी अभी मेरी नजर आपके चश्मे पे गई, दबंग में सलमान खान ने चश्मा पीछे लगाया था, बट आपके चश्मे का फ्रेम नीचे, इसका स्पेशल लाना चाहिए। मेरी हर चीज़ अलग है, हालांकि मैंने आपने इतने गौर से देखा, मैंने इतने गौर से चश्मा देखा ही नहीं। मुझे जो अच्छा लगता है खरीद लेता हूँ, जो अच्छा लगता है पहन लेता हूँ। मुझे बस दिन रात दिमाग काम में ही रहता है, बस काम के अलावा कुछ नहीं देखता हूँ। क्या आपने यश जी आए मेरे बर्थडे पे, बहुत प्यार हो गया, हमेशा बने रहे हमारे ऊपर। यश कुमार एंटरटेनमेंट की जितनी फिल्में हैं दिल से हम करेंगे, सही साथ जुड़े हमेशा करते रहेंगे। और बेस्ट विशेष है मुन्ना जी, मुन्ना जी के लिए आप कम से कम 150-150 साल तक ये अपनी जिंदगी को आगे आगे पीछे ऐसे ही लोगों का भीड़ लगा रहे। आपने कहा ना कि बड़े बड़े स्टार आते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, तो बातें करने के लिए मुझे काम करनी पड़ेगी कुछ नहीं, बस कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं लोगों से अलग करूं। और मैं बातों की बातों में नहीं रहना चाहता हूं, मैं अपने काम के जरिए लोगों की नज़र में रहना चाहता हूं। और हूं भी चैनल्स के जब मेरे पास इतने लोग और आते हैं कि इस समय भोजपुरी सिनेमा में सबसे ज़्यादा रेटिंग देने वाला अगर कोई स्टार है तो यश कुमार है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि चैनल के लोग बोल रहे हैं, और साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। रेटिंग निकालना तो आप भी निकाल सकते हैं, और इंटरनेट चलाने वाला हर आदमी रेटिंग निकाल सकता है। मैं इसके लिए अपनी मेहनत तो है ही मेरी, लेकिन मेरी मेहनत को, मेरी सोच को जो भोजपुरिया जन दर्शकगण हैं वो सराहते हैं, प्यार देते हैं, और मैं नतमस्तक हूँ उस प्यार के लिए, मुझे प्यार दे करके रेटिंग के मामले में नंबर वन स्टार बना कर रखा है। आपके लिए दर्शक क्या है, भगवान है जो? भगवान नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि दर्शक भगवान है, दर्शक मेरे मेरा परिवार है। मैं लोगों के लिए नहीं बोलूँगा कि दर्शक भगवान है और दर्शकों के लिए कुछ और, मेरा दर्शक सिर्फ परिवार का हिस्सा बना लीजिए दर्शक। जिस दिन दर्शकों को आप परिवार का हिस्सा बना लेंगे, सिनेमा खुद बहुत सुंदर सुधर जाएगा, क्योंकि आप परिवार के लोगों को कोई अश्लील चीज़ दिखाना नहीं चाहते। मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, मेरी माँ हो, तो अगर मैं कोई वीडियो में अगर कोई लड़की ने छोटे कपड़े पहने हैं तो मैं उसको ढक लूँगा मेरी माँ के सामने या बहन के सामने। तो जब ढक लिया इसका मतलब वो परिवार है, परिवार के लिए ढक रहा हूँ मैं। भोजपुरी दर्शकों को अपना परिवार मान लें, जब परिवार मान लेंगे तो आप अश्लील चीज़ें बनाना बंद कर देंगे, गलत चीज़ें बनाना बंद कर देंगे। अब भगवान मान करके आप भगवान को डबल मीनिंग दारे नहीं सुनाना चाहिए, भगवान मान करके भगवान को अभद्र चीज़ें नहीं बनाना चाहिए। मेरा मानना है कि उनको परिवार का दर्शक, परिवार का एक सदस्य माने और अच्छी अच्छी चीज़ें उनको दें, वो लोग खुद बखुद अपना प्यार करना शुरू। सर बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला उत्तर प्रदेश में, ये चुनावी माहौल है, क्या कुछ तैयारी है आपकी? मैं अभी देखिए पॉलिटिक्स में मुझे बीच में आया था कि आप बलिया से 2022 का इलेक्शन है, मैंने कहा नहीं अभी। अगर मौका मिले तो साइकिल पे या कमल पे या हाथी पे? नहीं, मैं अभी तक तो भाजपा ही, योगी जी को भाजपा को वोट दिया है अब तक। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग देश के लिए काम करेंगे, राष्ट्र के लिए काम करेंगे, मैं उसके साथ रहूँगा। ये वो मैटर नहीं करता है कि
योगी जी हैं कि मोदी जी हैं कि अखिलेश यादव हैं कि मायावती हैं कि राहुल गांधी, देश के हित में जो अच्छा काम करेगा उसको दूंगा मैं वोट। अभी देश के हित में काम करते हुए मोदी जी ही दिख रहे हैं, दूसरा प्रधानमंत्री के लिए विकल्प है ही, तो अभी मैं उनके साथ हूँ, अगर कल को मुझसे अच्छा ऑप्शन आएगा तो उनके साथ। नहीं अभी पॉलिटिक्स में नहीं आना, अभी पॉलिटिक्स में नहीं आना, पॉलिटिक्स में जब वक्त अभी थोड़ा सा अभिनय से जब एकदम मन भर जाए, जब लगेगा तो अभिनय हो गया तब देखेंगे। किसी पार्टी के लिए गाना गाने का मूड है? कुछ गाना चाहेंगे अखिलेश जी, मोदी जी और मायावती को? इतना ही कहेंगे कि जो लोग भी काम करिए किसी जाति विशेष के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए काम करिए। जिस दिन आप राष्ट्र के लिए काम करना शुरू कर देंगे, यस जी, आपकी इंडस्ट्री यानी भोजपुरी इंडस्ट्री में यादव और राजपूत की लड़ाई चल रही है, तो उसी तरह पॉलिटिशियन का भी आजकल लड़ाई जाति को ज्यादा हो गया। मुझसे कई लोग कहते हैं कि यादव की लड़ाई चल रही है और ठाकुरों की लड़ाई चल रही है, लेकिन मैं ध्यान देखता ही नहीं हूँ इन लोगों को, इन लोगों की लड़ाई को देखता ही नहीं हूँ, मैं अपने ही काम में बिजी। आप कुछ बोलना चाहेंगे पंडित? पंडित का कोई स्मरण नहीं है भोजपुरी इंडस्ट्री में? पंडित तो सबसे बड़ी रेटिंग दे रहा है, सबसे बड़ी चैनल को खुद ही पूछ लीजिए, चैनल से जितने भी चैनल चल रहे हैं उनसे जी बायोस्कोप का कॉल आया कि यार आपने वो फिल्म बनाई थी एक थोड़ा दूसरा थोड़ा प्यार, वो जी बायोस्कोप की टॉप रेटिंग फिल्म बन गई। एंटरटेन का कॉल आया, बोले कि आपको पता है टेली, आप तो सिर्फ फिल्मों की रेटिंग पूछ रहे हैं, मैं टेलीविजन की रेटिंग आपको बता रहा हूँ कि आपकी बिटिया छठी माई के पार्टी ने टेलीविजन की रेटिंग में नंबर वन की रेटिंग हासिल की। तो वहाँ से कॉल आ गया बी फॉर यू पे बेटी नंबर वन और भैया ने बनाई थी कसम पैदा करने के पार्ट टू, ये टॉप रेटिंग फिल्म है। मैं देता रहा हूँ टॉप रेटिंग फिल्म, दर्शकों को सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मुझे चैनल सबसे ज़्यादा रेटिंग दे रहा हूँ, मैं कहाँ झगड़े में उलझूँ। और सच कहूँ मेरे को लोग बोलते फलाना फलाना का झगड़ा हुआ, मैं देखता ही नहीं हूँ तो मैं क्या जानूंगा किसका झगड़ा हुआ, सच में नहीं देखता। चलिए लास्ट क्वेश्चन, यश मिश्रा जी शादी कब कर रहे हैं? बहुत जल्दी शादी करूँगा और सबके सामने आएगा, तो नाम से करूँगा, मेरा कोई चीज छुपाया नहीं जाता है। कोई नाम नाम सुनना चाहेंगे शादी के लिए? 12 फरवरी को मेरे बर्थडे वाले दिन सब बोला। लड़की के नाम कोई बता सकते हैं? 12 फरवरी को मेरा पोस्ट देखिएगा इंस्टाग्राम फेसबुक। 12 फरवरी में मात्र 20 दिन बाकी है, 20 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन लोग खुशनसीब रखी है या मैं खुशनसीब हूँ जो मेरी जिंदगी का हिस्सा बना। 12 फरवरी